हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से लाइव आई हूँ। मैं अल्पना रंजन बड़ौदा से, और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ दीपा जी को और अपनी बेटी को। फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ, और आज मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ बहुत अच्छी सी सिंपल सी सब्जी है, पंजाबी सब्जी, वो पनीर की सब्जी है। इसको रेशमी पनीर टिक्का बोलते हैं। बच्चे बहुत इजीली खाएंगे क्योंकि इसमें मुंह में कोई भी कचरा ऐसा नहीं कि गरम मसाला आ रहा है मुंह में, ऐसा कुछ आ रहा है। बहुत अच्छे लगेंगे वो सब्जी खाने में। आप ये सब्जी जरूर बनाइए एक बार, बहुत सिंपल बहुत इजी है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सब्जी बनाना, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं पैन को गर्म करती हूँ। इधर पानी गर्म हो रहा है, और इधर मैं मिक्सी जार में मैं काजू ले रही हूँ। थोड़ा सा काजू को मैंने पानी में एक घंटा पहले, दो घंटा पहले, ऐसे जब भी आपको टाइम मिले, नहीं हो तो भी चलेगा, बिना फुला हुआ भी चलेगा, लेकिन ऐसे पानी में सोक कर देना है। और ये काजू को पीसना है, मतलब ये 10 से 12 काजू लेना है मुझे, ठीक है? तब तक ये पैन गरम हो रहा है, इसमें मैं तेल डालती हूँ। थोड़ा सा तेल गया इसमें, और उसके बाद गरम होता तक मैं मिक्सी में ये काजू को पीस लेती हूँ। सब्जी आप जैन वर्जन में बनाना चाहते हैं तो भी बहुत टेस्टी बनेगी, एक बार जैन वर्जन में भी आप बना के देखिएगा। और ये सूखा पानी जाएगा, यहाँ पर तेल गरम हो गया है। तो यहाँ पर मैं ऐसे सिंपल सा स्लाइस में कटा हुआ अनियन मैं इसमें डाल देती हूँ। और देखिए, अगर जैन में बनाना है आपको तो अनियन बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, वही टेस्ट आएगा। इसको बिल्कुल भी नहीं लाल करना है, थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा ये सौते करना है सिर्फ हल्का सा। ये देखते हैं काजू का पेस्ट बना के लिए, चलिए काजू हो गया। अब इसमें चॉप किया हुआ टमाटर, ये मैंने 2.5 टमाटर लिया, मतलब हाफ इसे बोल सकते हैं क्योंकि दो टमाटर तो मैंने फूल लिया है, और ये टमाटर का बीज का जो है पल्प जो हुआ, बीज हुआ, वो निकाल दिए, रिमूव कर दिए और ऐसे कट करके रखे हैं। तो इसका जो बचा हुआ है वो भी मैंने इसमें डाल दिया, इसलिए 2.5 बोल रही हूँ, ठीक है? तो इसमें ये टमाटर गया, चलिए ये हो गया है। अब इसमें मैं कैप्सिकम डाल देती हूँ, देखिए कैसा हुआ है कलर, बहुत ज्यादा इसको नहीं पकाना है। इसमें कैप्सिकम डालती हूँ, थोड़ा सा और इसको करती हूँ, इसको टमाटर को, जिसमें काजू के साथ में टमाटर को मैं पीस लेती हूँ।
पेस्ट अपना बनकर तैयार हो गया है, दिख रहा है अच्छा। चलिए पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, और ये भी एक बार यहाँ पर दिखला दो, इसमें दिखला दो बेटा। बहुत सिंपल सी सब्जी है और बहुत आसानी से बनने वाला है एकदम, थोड़ा भी न टाइम लगता है और खाने में उतना ही टेस्ट लगता है, जितना कम टाइम लगता है लेकिन खाने में उतना ही टेस्ट लगता है, और सब लोग बना सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, थोड़ा सा और ये भी चाहिए। अब इसमें मैं टमाटर भी डाल देती हूँ, लोग 160 लोग देख रहे हो, लेकिन कोई हाय हेलो कोई कमेंट्स नहीं, कुछ तो कमेंट्स डालिए आप लोग कि पता चले कि देखने वाले भी हैं, कुछ हाय हेलो करिए, कहाँ से देख रहे हैं वो बतलाइए आप लोग, कैसा लग रहा है, पिछले बार करी थी कैसा लगा था आपको, ट्राई किए कि नहीं किए, कुछ तो बताइए आप लोग। मैं ही बोलते जाती हूँ, कभी कभी आप लोग भी बोला करिए, कोई कमेंट्स दीजिए आप लोग। मीता मिस्त्री हाय दी बोली, हेलो मीता, अच्छा लगा। चलो एक मीता है वो हाय हेलो की है, आप लोग भी करिए हाय हेलो। चलिए ये हो गया है, ज्यादा इसको नहीं करना है ठीक है, थोड़ा सा कच्चा पक्का टाइप का ही रहेगा, इसको मैं निकाल देती हूँ। चलिए थैंक यू, सबसे पहले थैंक यू मैं बोलती हूँ कि आप लोग ने मेरा बात माना, बहुत अच्छा लगा। आगे कोई रेसिपी देखना चाहते हैं मेरे से तो वो भी बतलाइए कि आप ये सिखलाइए, तो मैं भी वो भी सिखलाऊंगी। चलिए अब ये जितना तेल बचा है, ज्यादा तेल नहीं डालना है इसमें, इतना तेल बचा हुआ है, अब इसी तेल में मैं थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। और देखो बेटा कोई आप क्या बना रहे हो? आज मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ, इसका नाम है पनीर की सब्जी का नाम है रेशमी पनीर टिक्का। आपका रेसिपी हमेशा बहुत अच्छा होता है। थैंक यू, कौन बोल रहे हैं? स्वीटी कुमार। ओ नीता मिस्त्री बोल रही, आपको पहली बार देख रही है। ओके कोई बात नहीं, अभी पहली बार देख रहे हैं आप, बार बार देखिएगा मुझे, मैं हमेशा आती हूँ अमूल पर। अनिता जी आप कहाँ से बोल रहे हो? आनंद से। कहाँ से? आनंद से। कोई बात नहीं, पहली बार देख रहे हैं, बार बार देखिएगा और रेसिपी ट्राई करिए जरूर, क्योंकि बहुत इजी रेसिपी मैं सिखाती हूँ, जब भी आती हूँ तो इजी रेसिपी सिखाती हूँ। और अभी मैं क्लास लेने वाली हूँ पंजाबी का, उसमें रेस्टोरेंट में जितनी सब्जियां आप लोग खाते हैं सारे उसमें कवर किया जाएगा, और कैसे रेस्टोरेंट में बनाते हैं, कैसे हम लोग घर में करते हैं उसका प्रिपरेशन सब उसमें सिखाया जाएगा। कोई गेस्ट आ गए हैं आप 10 मिनट में सब्जी बना करके किसी को खिला सकते हैं, क्योंकि पहले से प्रिपरेशन किया हुआ रहता है। और ऐसा भी सिखाऊंगी जो आप तुरंत प्रिपरेशन करके बना, जैसे ये सब्जी है तुरंत करिए और बनाइए, ऐसा भी सिखाऊंगी मैम, उसमें दोनों आएगा।
तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9106686533। हेलो मैम, ग्रेट टू वॉच एंड लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू। कौन बोल रहे हैं? अनुपम भगत। थैंक यू अनुपम जी। किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करने का है, इसीलिए जिनके भी घर में बच्चे हैं जरूर ट्राई करिए, जरूर एक बार मेरी बात मान करके ये सब्जी ट्राई करिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से, क्योंकि जो बच्चे पनीर खाते हैं उनको ये पनीर बहुत ही पसंद आएगा। कौन से दूध का पनीर का? नहीं, अमूल का पनीर लेकर के आई थी मैं। ये तब तक पकाना है जब तक इसका टमाटर का और ये क्या बोल रहे थे काजू का, ये दोनों का कच्चापन चला जाएगा तब तक इसको पकाना है। ऐसे तेल छोड़ देगा, टमाटर अच्छे से पकना चाहिए इसमें, बहुत टाइम नहीं लेता है, लेकिन बहुत हड़बड़ाहट भी नहीं करने का है इसमें। टमाटर को पकने में जो भी टाइम लगता है और कितना जल्दी, जो भी कुकिंग करते हैं उनको पता ही होगा कि टमाटर को पकने में कितना टाइम लगेगा। मेरे घर में मेरे बच्चे को ये पनीर बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे को पसंद है इसलिए मैं बोल रही हूँ, सचमुच में ये पनीर बहुत अच्छी लगती है और इजी रेसिपी। कोई हाय हेलो कर रहा है? किसी का कोई मैसेज है? आपके यहाँ बारिश हुई कि नहीं? हमारे यहाँ तो बारिश का नामो निशान नहीं है। मैं बड़ौदा से हूँ और यहाँ तो बारिश का कुछ भी नामो निशान नहीं, गर्मी बहुत है। आपके यहाँ भी है क्या कि बारिश हुई आपके यहाँ? मेरे को बतलाइए आप लोग। टमाटर पक गया है, अब इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा मसाला।
देखिए बहुत सिंपल सब्जी है, कोई मेजरमेंट नहीं है, जो सब्जी बनाते हैं वो बहुत इजीली बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जाएगा हल्दी, थोड़ा सा जाएगा धनिया पाउडर, थोड़ा जाएगा जीरा पाउडर, थोड़ा मिर्ची पाउडर और नमक। और ये थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं इसमें। गीता मिस्त्री बोल रहे बहुत गर्मी है आनंद में, बहुत गर्मी है, सीने की बारिश होती है। सही में भगवान से प्रार्थना करने का, जल्दी जल्दी अब बारिश आ जाए। इतना अच्छा कलर आया देखिए, और इसमें अदरक नहीं, लहसुन नहीं, और अगर जैन वर्जन में बनाना है आपको तो ऑनियन बिल्कुल स्किप कर दीजिए इसमें। मसाला है जिसे कहा गया पूरा अच्छी तरह से, पनीर पनीर कैसे बनता है अब पूछ रहे नहीं चलेगा, पनीर कैसे बनता है वो नहीं सिखाने वाले। आप रेसिपी दीजिएगा क्या? रेसिपी विल यू गिव द रेसिपी? हाँ रेसिपी दूंगी ना, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी इसका रेसिपी, पनीर टिक्का का रेसिपी ना, ठीक है मेजरमेंट मैं डाल दूंगी। और मैं सबका कमेंट्स चेक करती हूँ, कौन क्या कमेंट्स दिया है सब कमेंट्स में चेक करती हूँ। जब भी मेरा क्लास खत्म होता है मैं आराम से बैठती हूँ तो मैं कमेंट चेक करती हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट दीजिए, मैं अभी नहीं तो बाद में मैं जवाब दे दूंगी सबका। ये मसाला बंद हो गया है, अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा पानी। इसके बाद ये जो सेक करके रखे हैं ना, कैप्सिकम है, टमाटर है और अनियन है, ठीक है ये मैं डाल देती हूँ। इसमें के बाद पानी डाल देती हूँ, और इसमें डाल देती हूँ मैं पनीर। इसमें क्या पनीर जाएगा, गरम मसाला इसमें जाएगा, थोड़ा गरम मसाला।
यहाँ पे आप मिर्ची और नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ आपको लगे कि नमक मिर्ची और जाएगा तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं नमक मिर्ची, थोड़ा सा पानी और जाएगा इसमें। थोड़ा सा ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एक बार बना करके देखिए। एक बार जरूर ट्राई करिए। मैं इतना बता मुझसे क्या बना रहे हो? अरे इसमें पनीर टिक्का बन रहा है और आगे मैं पंजाबी क्लास लेने वाली हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9106868533। उस क्लास में मैं रेस्टोरेंट में वो सिखाने वाली हूँ जो रेस्टोरेंट में आप लोग जा करके खाना खाते हैं, जो सब्जियाँ खाते हैं वो सारे मैं सिखाने वाली हूँ उसमें आएगा। लुकिंग यम्मी, थैंक यू। कौन बोल रहा है? बीना शाह। आंटी, बीना आंटी नमस्ते। आंटी आपके बिना तो मेरा लाइव अधूरा होता है। आंटी थोड़ा सा बटर में डाल दी इसमें टेस्ट के लिए। मैं आंटी के कमेंट्स का वेट करती हूँ। आंटी के कमेंट्स आएगा। आंटी तो ना मतलब हिम्मत देती है आंटी मेरे को, बहुत अप्रिशिएट करती है आंटी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ, ये सब्जी बन गई है। लास्ट में जाएगा इसमें अमूल फेस क्रीम। अगर अमूल फेस क्रीम नहीं है आपके पास में तो आप घर की मलाई है वो भी ले सकते हैं। ये सब्जी बन करके देखिए कलर कितना प्यारा आया है इसका। सब्जी बन गई है, इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता हो जाएगा। अभी मैं इसको माउथ वॉटरिंग सुपर। कौन बोल रहा है? अलग अलग बोल। कौन? प्रफुल्ला दवे बोल रही है सुपर, मधु गुलाटी बोल रही है माउथ वॉटरिंग। थैंक यू। आप तो एक बार बनाइए। बीना आंटी बोल रही है गुड वर्क एंड हार्ड वर्क शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। थैंक यू आंटी।
मैं ना मिस कर गई, थोड़ा सा चीनी भी जाएगा इसमें, गलती नहीं देखा सर, चीनी डाल देती हूँ इसमें। क्योंकि टमाटर जो है ना उसका जो खट्टापन है उसको दूर करने के लिए हल्का सा चीनी जाएगा, 1/4 टीस्पून ऐसे चीनी जाएगा। मैं शुगर पाउडर है मेरे पास में तो मैं वो यूज कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून ऐसे चला जाएगा चीनी, क्योंकि टमाटर अगर खट्टा होगा तो फिर उसको बैलेंस करेगा वो शुगर। ठीक है, बाकी रेडी। ये बन गए रेशमी पनीर टिक्का। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक बार ट्राई करिएगा और कमेंट्स करिएगा मुझे कि कैसी बनी है। मस्त बनी है। थैंक यू, आप लोग आए कीमती समय निकाल करके मेरी रेसिपी देखने के लिए। मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ और थैंक यू करती हूँ। स्वागत तो मैं पहले करती थी आप लोग को, और एक बार बनाइए ये सब्जी और एक बार बताइए कि कैसा बना है। थैंक यू, बाय।